बचत राम का ख्वाब ख्वाब ही रह गया। शाह, हर कहानी का दी एंड खुशी से होता है, लेकिन यहां तो खुशियों का ही दी एंड हो गया। अति खर्चा तो बुरा है ही, पर सिर्फ बचत से भी किसी का भला नहीं होगा। तो अब सही रास्ता कौन सा हुआ? जिंदगी में बढ़ने के लिए क्या करना होगा? कहानी में ट्विस्ट, इनसे मिलिए। ये हैं निवेश कुमार। इनके भी सपने बड़े थे, आपको याद नहीं? पर निवेश कुमार को पता था, सपने साकार करने के लिए बचत की नहीं, एक नई समझदारी की जरूरत होती है। इस नई समझ ने उन्हें सारी खुशियां दिलाई, पर कम कीमत में। पापा पापा, ये दोनों स्टोरी बुक ले लो प्लीज। पापा प्लीज 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 पापा पापा प्लीज, ना दो स्टोरी बुक ओनली प्लीज, नो पापा पापा। 1, 2, 3, 4, 5, and 6। ये आई लव यू पापा। अपने परिवार की खुशियों के लिए वो हमेशा एक बेहतर तरीका अपनाते। निवेश कुमार की समझदारी ने उनको सिखा दिया कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ देना जरूरी नहीं है। ना उन्होंने फिजूल खर्चा किया, ना कुछ त्यागा, पर बचत होती ही रही। और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो ना खर्चा लाल को सूझा, ना बचत राम को। निवेश, इन्वेस्टमेंट। आइए निवेश कुमार, आपने अपने ख्वाब को पूरा करने का जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है। तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। अगर आप नियमित रूप से अपनी जमा पूंजी को दो हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा डेट मार्केट यानी कि बचत खाते में डालेंगे और दूसरा हिस्सा इक्विटी मार्केट यानी बढ़त में डालेंगे, जो कि सबसे अहम है, तो आपकी मंजिल दूर नहीं। क्योंकि सिर्फ बचत करने से आप सुखमय जीवन तो बिता सकते हैं, लेकिन अपने ख्वाबों का महल शायद ही बना पाएंगे। तो फैसला आपका है और साथ हमारा। अब उनका विश्वास पक्का हो गया कि उनके सपने साकार होंगे। जिंदगी पहले से बेहतर चलने लगी थी, सब कुछ सही जा रहा था, और एक दिन इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव ने निवेश कुमार के विश्वास को थोड़ा सा हिला दिया। उनको डर था कि सपनों के महल को पूरा करने के चक्कर में उनके मेहनत की कमाई कहीं डूब न जाए, इसलिए वो IDFC म्यूचुअल फंड में सलाह के लिए पहुंच गए। सर, हम अपने इक्विटी मार्केट का सारा पैसा निकाल के बचत में डालना चाहते, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं चाहते। पहले तो आप शांत हो जाइए और इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव को ध्यान से समझिए।
देखिए, जैसे ही मार्केट डाउन होता है हम घबरा जाते हैं, और हमारा निवेश किया हुआ सारा पैसा, चाहे हम प्लस में हो या माइनस में, निकालने के चक्कर में जुट जाते हैं। पर यही सही मौका होता है मार्केट में और पैसा इन्वेस्ट करने का। लेकिन आप अगर इक्विटी मार्केट की रेखा को देखेंगे तो समझेंगे कि मार्केट आज डाउन हुआ है, लेकिन लंबे समय तक निवेश करने पर फायदा आपका ही है, यानी कि सपनों का महल आपका ही है। और वहीं अगर आप बचत की रेखा को देखेंगे तो आपका पैसा बढ़ता है, लेकिन उसकी एक सीमा तय है। निवेश कुमार की समझ तेज थी। उन्होंने जाना कि उतार चढ़ाव जितने भी आए, लंबे समय तक निवेश करने से लाभ मिलता ही है। वक्त गुजरा और निवेश कुमार उसी समझदारी के साथ नियमित रूप से निवेश करते रहे। और उनका विश्वास सही निकला, उनका सपना साकार हो गया। वक्त के साथ वो धनवान बनते गए। Mom, Dad, become a doctor! Yeah! वाह भाई वाह, निवेश कुमार ने तो अपना सपना पूरा कर दिखाया, और साथ में उनकी नन्ही बिटिया का भी। अब कोई उनके विश्वास को हिला कर दिखा दे। इसीलिए भैया, बढ़ने के लिए निवेश करना जरूरी है, चाहे महीने में 500 भी हो, बढ़ने के लिए निवेश करना जरूरी है। याद रखें, बचत, निवेश, बढ़त। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।